जानकारी बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोगों को अच्छा लग रहा है जी सर। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, और नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, हम भी रोजगार वाले हो जाएंगे। आप भी रोजगार वाले हो जाएंगे। और क्या सर, हम लोग एक घंटे से बैठे हैं। सरकारी शिक्षक बन गए आप जी, कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। नियुक्ति पत्र के लिए बैठे हुए जी, क्या क्या माहौल है आज का और कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आज का दिन कैसा रहेगा आप लोग? बहुत अच्छा, ये दिन का कब से हम लोग इंतजार कर रहे थे, सभी प्रखंडों वो दिन आ गया आज। सरकार का ये जो नियम था ठीक था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा था। कहाँ से आए हैं? हम तो ये मुजफ्फरपुर के, प्रॉपर मुजफ्फरपुर से। ब्लॉक के बारे में कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी है। आप रोजगार हो, पहले बेरोजगार थे। पहले बेरोजगार थे, पहले बेरोजगार थे तो अब में कितना अंतर लग रहा है? बहुत खुशी, जो दुनिया की हर अभी जो बता नहीं सकते हैं, इतनी खुशी हो रही है। कितने देर से हैं यहाँ? एक घंटे से। एक घंटे से, कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी मिल रही है, सबसे अच्छा आज का दिन है। बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा है। कब से यहाँ बैठे हुए? लगभग 1.5-2 घंटा हो गया। क्या सोच के आज आए थे और क्या होगा? क्या सोच के क्या, पहले से हम पूर्व में 6-8 में नियोजित शिक्षक थे, अब 9-10 में गणित शिक्षक के रूप में मेरा चयन हुआ है इस जिला में। अब सोच के क्या, पहले से इस धारा में जुड़े हुए हैं, इस धारा को और तेज करेंगे। आज का दिन कितना खुश? हाँ, 2 नवंबर 2023 का दिन वाकई बिहार से लेकर पूरे प्रदेश, पूरे देश वासियों के लिए एक खुशी का माहौल है कि इस दिन लगभग 1,20,000 प्लस अभ्यर्थियों का जीवन उज्जवल हुआ, उनकी मेहनत का उन्हें फल मिला। कितने देर से बैठे हुए हैं मैम? बहुत ज्यादा। कितना दिन से इंतजार था ये फल? लगभग 1 महीने से। 1 महीने से सरकारी शिक्षक बन गए? बहुत खुश, मैं बेगूसराय से आई और यहाँ 10 दिन से बहुत स्ट्रगल चल रहा है। अब बच्चों को भविष्य संभालेंगे ना? बिल्कुल, बच्चों के भविष्य संभालेंगे ना मैम? हाँ हाँ, मैं जरूर संभालूंगी और मैं अभी संभाल भी रही हूँ। मैं अभी नियोजित शिक्षिका हूँ, तो मैं वहाँ भी पढ़ा रही हूँ और फिर इधर भी DPSC से भी आने का मन था कि यहाँ पे कैसा क्या होता है। और मुजफ्फरपुर में भी मैं राघोपुर में पढ़ा रही थी, वैशाली के राघोपुर में, अभी मैं फिलहाल मुजफ्फरपुर में आई हूँ पढ़ाने के लिए। अब जहाँ भी देंगे। कितने देर से यहाँ पे बैठे हैं? अभी तो जस्ट आई हूँ, कल तो रहा होगा यहाँ का इंतजार रहा होगा। हाँ, जब से रिजल्ट मेरा आया है तब से मुझे इंतजार है, जल्दी से हो जाए। अच्छा, ये आप तो मेरा लड़का है। कैसा लग रहा है पत्नी? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरी वाइफ तो पहले से ही टीचर में थी, एक साल पहले 2022 में नियुक्ति हुआ था, उसमें टीचर ही थी मेरी वाइफ 1-5 क्लास में। अभी भी फिर BPSC का एग्जाम निकाल के फिर 1-5 में आई है। अब तो मजबूत वाला हो गया शिक्षा। मैं मजबूत वाला शिक्षा। हाँ हाँ जी जी। दीपावली से पहले आप लोगों को तोहफा दिया जा रहा है जी? बहुत खुशी हो रही है कि दीपावली से पहले हम लोग के घर में दीप जलेगा खुशियों का, और हम लड़कियाँ अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को अब ये देखना है कि हम लोगों को कब विद्यालय आवंटन होता है, इसका अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ बैठे कब से? 1 घंटे से। व्यवस्था कैसा लग रहा है? अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छा है। अच्छा जी जी, बहुत अच्छा व्यवस्था है, सारा अरेंजमेंट, सब कुछ, खाने पीने पानी हर व्यवस्था सब कुछ है। कितने देर से है मैम? सर 1 घंटे से। शिक्षक बन गए, कैसा लग रहा है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। दीपावली से पहले तोहफा दिया जा रहा है आपको? हाँ सर, ये तो है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दीपावली से पहले हमें शिक्षक बनने का मौका मिला। क्या लग रहा है नीतीश कुमार जी का ये पहल? अच्छा सर, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा। हम यूपी मऊ से। इस सरकार को हम लोग दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जैसे बेरोजगार लोगों को अल्लाह करके यहाँ पर रख दिया। आज हम लोग को मान लीजिए कि एक परिवार में हम लोग 10 आदमी है, आज हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा, उससे पूरा का पूरा परिवार खुशी है। इस वजह से मन बहुत उत्साहित है, हर्षित है, लग रहा है कब नियुक्ति पत्र मिल जाए, जिससे हम लोग पूरा एकदम खुश हो जाए। दीपावली से पहले आप लोगों को दिया जा रहा है? दीपावली से पहले देखिए, बिहार है, बिहार में दीपावली तो एडमिट कार्ड की तरह होता है, मेन पर्व तो छठ है,
तो इसलिए छठ बहुत उत्साह से मनाया जाएगा, दीपावली से दुगुना उत्साह से हम लोग छठ को मनाएंगे। तो कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होता है कि नहीं? देखिए स्कूल में पढ़ाई पहले होती थी कि नहीं होती थी ये अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग जो जाएंगे अपने कर्म के, हम लोग जो है वह ईमानदार आदमी है, तो हम लोग निश्चित ही निश्चित पढ़ाएंगे। आप भी सर? नहीं हम तो नहीं लेने आए, लेकिन साथ में आए हैं। हाँ साथ में आए। हाँ पार्टी वार्टी लेंगे? नहीं पार्टी तो निश्चित मिलेगा ही मिलेगा मिलेगा। Thank you.